फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2022 में जितने भी ईडीएम्स पूछे गए हैं उन सब के बारे में जो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। टोटल जो 100 से ऊपर ईडीएम्स पूछे गए हैं उन सब के बारे में हम लोग जो है इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। इससे जो है हमारा मनोबल और बढ़ता है ताकि और भी हम जो है ऐसी वीडियो आप लोग के लिए ले आ पाएँ। अगर आप लोग को वीडियो हमारी अच्छी और हेल्पफुल लगा करे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। का ईडीएम है अ फ्लाई ऑन द वॉल। इसका मतलब होता है एन अनपरसिप्ड ऑब्जर्वर, यानी एक अप्रत्याशित पर्यवेक्षक। यानी देखिए, जैसे कोई चींटी होती है वह दीवारों पे जो है धीरे 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 करके जो है चढ़ जाती है, लेकिन हम लोग ये सोचे भी नहीं होते, एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते कि वह ऐसा करेगी। यानी वह क्या है, एक अप्रत्याशित पर्यवेक्षक है। तो इन सभी चीज़ों को जो है हम लोग जो है फिगर या जो है इमेज के अकॉर्डिंग जो है याद करेंगे तो हम लोग को जो है बहुत अच्छे से याद हो जाएगी चीज़ें और कभी हम लोग नहीं भूलेंगे ईडीएम्स को। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ फ्लाई ऑन द वॉल, ऑप्शन नंबर ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा एन अनवेलकम गेस्ट, ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा एन अनपरसिप्ड ऑब्जर्वर, यानी एक जो है अप्रत्याशित पर्यवेक्षक। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है इन द सेम बोट। इसका मतलब होता है एक समान कठिन परिस्थिति में होना। जैसे ये लोग जो है एक साथ नाव में जा रहे हैं, अगर ये नाव डूबती है तो ये सब लोग जो है डूब जाएंगे। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, यानी एक कठिन जो है समान परिस्थिति में होना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इन द सेम बोट, ऑप्शन नंबर ए है टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है इन हाई स्पिरिट। इसका मतलब होता है चीयरफुल यानी हसमुख। हाई स्पिरिट मतलब होता है पूरे अपनी हाई स्पिरिट में होना, यानी बहुत ही जो चीयरफुल होना, बहुत ही खुश होना। जैसे ये लड़की जो है बहुत ही चीयरफुल है, बहुत ही खुश है, तो हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हाई स्पिरिट्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है ड्रंक नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है एनेक्सियस, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा चीयरफुल यानी बहुत ही हसमुख होना। ये जो अंडरलाइन किया होता है उसका ही हम लोग जो है ईडीएम्स हम लोग को बताना होता है, तो ये भी हम लोग को ध्यान रखना है और ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हमारा अंडरलाइन है इसी का बस हमें जो है ईडीएम्स बताना है। हमारा ईडीएम क्या है गियर अप फॉर, इसी का मतलब होता है किसी चीज के लिए खुद को तैयार रखना किसी से कुछ करने या बोलने के लिए जो है। तो गेट रेडी फॉर टू ऑर्डर, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, गियर अप फॉर यानी गियर मतलब गियर लेना, यानी गियर अप करना यानी किसी कहीं जाना किसी चीज को जो है ऑर्डर देने के लिए, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गियर अप फॉर, ऑप्शन नंबर ए है पॉज इनटू, ये हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है गेट रेडी फॉर, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा गेट रेडी फॉर यानी तैयार होना किसी को ऑर्डर देने के लिए। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है कॉल अपॉन, इसका मतलब होता है कुछ करने या बोलने के लिए जो है किसी को आमंत्रित करना, टू इनवाइट टू डू समथिंग, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे ये लड़की है अपने इसके यहाँ कोई गेस्ट वेस्ट आए हैं उनको जो है इनवाइट कर रही है कि आप हमारे यहाँ जो है शादी में जरूर रहिएगा, ऐसा कुछ जो है इनवाइट कर रही है, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कॉल अपॉन, ऑप्शन नंबर ए टू स्टॉप नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है टू ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा किसी को आमंत्रित करें या किसी को जो है ऑर्डर देना। हमारा ईडीएम क्या है लूज योर टच, इसका मतलब होता है पहले की तरह सफल नहीं होना, नॉट बीइंग सक्सेसफुल एज प्रीवियसली। जैसे ये जो प्लेयर है यह खेल रहा है और इससे बॉल जो है छूट जाती है तो यह क्या हो जाता है असफल हो जाता है, यानी सफल नहीं हो पाता है। पहले तो यह सफल हो चुका था लेकिन इस बार जो है इससे बॉल जो है छूट जाती है और यह जो है सफल नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं लूज योर टच, ऑप्शन नंबर ए है टू बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नॉट बीइंग एज सक्सेसफुल एज प्रीवियसली, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा कि पहले की तरह जो है सफल ना हो पाना। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है ब्लो अप, ब्लो अप में क्या हो जाएगा, पहला हमारा है टू डिस्ट्रॉय बाई एन एक्सप्लोजन, तो ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। टू लिव अप ग्रेटली ये तो हमारा नहीं होगा, टू स्टैंड अपराइट ये भी हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा ईडियम है अ स्नेक इन द ग्रास। स्नेक मतलब होता है सांप और ग्रास मतलब होता है घास, यानी कि घासों में जो है सांप होना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हिडन एनिमी, मतलब कि कोई धोखेबाज व्यक्ति। कहते हैं हम लोग ना, ये तो धोखेबाज व्यक्ति है, मतलब कि घासों में छुपा हुआ सांप है, तो ये इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे घास है और इसमें जो है सांप छुपा हुआ है, तो अ स्नेक इन द ग्रास यानी धोखेबाज व्यक्ति। तो जैसे कोई भी दिखेगा नहीं और घास पे चढ़ जाएगा तो उसको सांप जो है काट लेगा, तो ये धोखेबाज व्यक्ति ही हुआ, तो ऐसे हम लोग जो है इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारा अ स्नेक इन द ग्रास, तो अ वेल्दी पर्सन नहीं होगा, वेल्दी पर्सन से कोई मतलब ही नहीं है, अ डेसीफुल पर्सन ये हमारा हो जाएगा आंसर, अ टार्कटिव पर्सन ये भी नहीं होगा, अ टिमिड पर्सन ये भी कायर व्यक्ति नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, काउंटर अटैक मतलब जवाबी हमला देना, जैसे ये लड़का जो है इसको पहले इसको मारा, अब ये जो है इसको मार रहा है, तो जैसे को तैसा कर रहा है, यानी काउंटर अटैक इसका हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं टिट फॉर टैट, तो पहला हमारा क्या है गो स्मूथली, ये भी हमारा नहीं होगा, और बी हमारा है काउंटर अटैक, यही हमारा जो है राइट हो जाएगा, काउंटर अटैक जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हेयर्स ब्रेथ। हेयर्स मतलब होता है बाल होता है और ब्रेथ मतलब होता है सांस, बालों से जैसे हम लोग एक वो करते हैं इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो बालों और जो सांस का जो है बहुत कम अंतर होता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे अ नैरो मार्जिन, मतलब बहुत ही छोटा बहुत ही कम अंतर, जैसे कि ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में बहुत ही कम अंतर है, जैसे इसके हाथ से बॉल जो है छूटते छूटते रहे, तो बहुत ही कम मार्जिन बहुत ही कम अंतर है, तो फोटो के हिसाब को भी हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे, इससे जो चीज़ें हम लोग को बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से याद हो जाएगी और हम लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसको इस वीडियो को आप लोग जो है बार बार देखिएगा ताकि आप लोगों को जो ये चीज़ें याद हो जाए अच्छे से। इतना बड़ा सेंटेंस है क्वेश्चन में हमारे हेयर्स ब्रेथ, बस हम लोग को जो अंडरलाइन किया होगा उसी का जो इडियम्स बताना है, बहुत लोग को पता नहीं रहता है। तो पहला हमारा क्या है अ नैरो मार्जिन, यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर मिल गया तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है ग्रीस समवन पाम, तो किसी के हाथों पे जो है क्या लगाना, ग्रीस लगाना यानी किसी को जो है घुस देना, ब्राइब समवन मतलब किसी को, ब्राइब मतलब होता है घुस देना, किसी को जो है घुस देना, जैसे हम लोग कहते हैं ना ग्रीस लगा रहे हैं हमको, यानी हाथों पे जो है हमको जो है घुस देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये आदमी जो है इसको पैसा दे रहा है और तो इसको जो है क्या कर रहा है ये ग्रीस लगा रहा है इसके हाथों पे, यानी इसको जो है घूस दे रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है अ ग्रीस समवन पाम, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है बी ज्वेलस ऑफ समवन, ये हमारा नहीं हो सकता, ब्राइब समवन यही हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्राइब समवन, पुट इन हार्डवर्क ये भी हमारा नहीं होगा, गो टू बैटल युद्ध में जाने की कोई बात ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम है अ स्टॉर्म इन अ टीकप, इसका मतलब होता है एक बहुत ही छोटी छोटी ट्रिवियल थिंग्स पे जो है गुस्सा करना, जैसे किसी को हम लोग चाय दिए तो थोड़ी सी चाय किसी को दे दिए, किसी को ज़्यादा दे दिए, तो उन छोटी छोटी बातों पे जो झगड़ा करना जो करता है, यानी टी कप, इससे हम लोग इसको ध्यान देते हैं, टी कप यानी कि चाय के लिए जो है झगड़े करना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े करना और चिंता करना, यही हमारा जो है हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है अ लॉट्स ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, यानी छोटी बातों पे गुस्सा और जो है झगड़ा करना, ये हमारा हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, क्वेश्चन हमारा है अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो हमारा पहला क्या है ऑप्शन द टी इन विच स्पेसेस आर एडेड, ये भी हमारा नहीं होगा, और टेस्टी टी इससे भी कोई मतलब नहीं है, और सी है टू इंजॉय टी ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, और लॉट्स ऑफ एंगर एंड वरी अबाउट ट्रिवियल थिंग्स, छोटी बातों पे गुस्सा करना, ये हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइडियम है टेल अपॉन, टेल अपॉन मतलब होता है प्रतिकूल प्रभाव डालना, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं, टेल अपॉन मतलब कि किसी के ऊपर बोलना, मतलब कि जब झगड़े हो रहे हैं तो उसके ऊपर बोल देना, यानी उसको भी प्रतिकूल प्रभाव डालना, यानी अफेक्ट एडवर्सली, ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है टेल अपॉन टू स्ट्राइक हार्ड, ये नहीं होगा, और ये तो पहला हमारा होगा नहीं, दूसरा हमारा है टू एडवाइस समवन, ये भी हमारा नहीं होगा, टू राइट डाउन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू इफेक्ट एडवर्सली जो हमारा राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है अ पीस ऑफ केक, यानी इसका मतलब होता है बहुत ही इजी टास्क, बहुत ही सिंपल चीजें जो कोई भी कर सकता है, ये हमारा जो हम होता है आसान काम ये हमारा हो जाएगा। जैसे ये चुटकी बजा रहा है कि अरे ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको तो मैं इजिली कर सकता हूँ। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, अ पीस ऑफ केक तो हमारा क्या हो जाएगा, एन इजी वर्क, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। इडियम हमारा है हार्ड एंड फास्ट, हार्ड मतलब तेजी से, फास्ट मतलब भी जो होता है तेजी से, मतलब जैसे ये देखिए ये टीचर जो इस बच्चे को बहुत ही तेजी से मार रहे हैं, मतलब कि बहुत तेजी से और कठोरता से और बहुत जो है तेजी से मार रहे हैं छड़ी को, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक होना, बहुत ही कठोर होना। क्वेश्चन देख लेते हैं हार्ड एंड फास्ट, पहला हमारा है बैडली इफेक्टेड, ये भी हमारा नहीं होगा, क्विक रेटेड ये भी हमारा नहीं हो सकता, अर्जेंट भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो राइट हो जाएगा, स्ट्रिक्ट जो हमारा हो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कठोर। नेक्स्ट ईडियम हमारा है कैश 2020, इसका मतलब होता है एक कठिन परिस्थिति जिसमें जो है किसी समस्या का समाधान असंभव हो, जैसे एक बिल्ली जो है ऊपर तो चढ़ गई लेकिन इसको बिल्कुल भी नहीं पता है कि नीचे उतरेगी कैसे, तो ये इसके लिए जो है एक कठिन समस्या है। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे कैश 2020 है, तो कैट जो है 2020 खेलते खेलते जो है ऊपर चढ़ गई लेकिन इसको पता नहीं है कि कैसे नीचे आना है, ये बस याद करने के पर्पज़ से है, बाकी इसका कोई मीनिंग नहीं है। हम इसलिए ये ट्रिक बता रहे हैं ताकि आपको जो है आसानी से ये चीज़ें याद हो जाए। तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इम्पॉसिबल, ये जो होता है इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कैश 2020 सिचुएशन, जो हमारा ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो हमारा अंडरलाइन होगा उसी का जो है हमको idioms बताना होता है, तो ये हमको ध्यान देना है। तो पहला हमारा है अ पॉजिटिव आउटकम इन टच सिचुएशन, ये हमारा नहीं होगा, और दूसरा हमारा है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन विच द सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इम्पॉसिबल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है सही हो जाएगा, तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट ईडियम हमारा है विन लॉरेंस, इसका मतलब होता है टू गेन ऑनर, सम्मान अर्जित करना या प्राप्त करना, जैसे मोदी जी जा रहे हैं ये सम्मान जो है अर्जित करने जा रहे हैं। इस ईडियम को हम लोग याद कैसे करेंगे, मान लेते हैं लॉरेंस नाम का कोई व्यक्ति है जो कि जो है जीत गया है, तो उसके जीतने के बाद अब उसको क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो इस ईडियम को जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को जो है बार बार देखेंगे तो आप लोग को जो ईडियम जो है रट जाएगा, तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा है विल लॉरेंस, तो हमारा क्या हो जाएगा टू गेन ऑनर, सम्मान अर्जित करना या प्राप्त करना जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, तो इसको याद हम लोग करने हैं कैसे कि जैसे कोई इंसान खा रहा है दांतों से और उसका जो है गलती से जैसे कभी कभी होता है कट जाता है, तो लेकिन हम लोग बचा बचा के खाते हैं, तो दांतों से जो है क्या हो जाना, मुश्किल से बच जाना। जैसे ये आदमी जा रहा है ऐसे जा रहा है लेकिन ये जो है गाड़ी से अचानक से जो है बच गया, तो ये मुश्किल से जो है बच पाया, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है तो ये जो है अचानक से बच पाया, तो इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, बेयरली मैनेज टू एस्केप, यानी मुश्किल से बच पाना, तो ये हम लोग जो है इसको ऐसे याद कर लेंगे। आप लोग क्वेश्चन जब हम करते हैं तो उसका भी जो है आप लोग आंसर देते रहा करिए कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ये सोचते रहा करिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ, तो ऑप्शन नंबर ए है वेरी एरोगेंट, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है बेयरली मैनेज टू एस्केप, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है लेट डाउन, जैसे कोई व्यक्ति जो है असफल हो जाता है तो वह जो नीचे जो है लेट जाता है, तो यानी वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वह जो है नीचे लेट जाता है, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। जैसे क्रिकेटर है अगर ये कैच जो है नहीं मार पाता है बॉल से छक्का, तो ये अपने आप को जो है फेल समझने लगता है, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, नहीं तो लेट डाउन मतलब नीचे लेट जाना, ऐसे भी हम लोग इसको याद कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा है लेट डाउन, तो पहला ऑप्शन में है टू हायर, हायर तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, टू फेल, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा, टू फेल हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है सिर्फ पेयर ऑफ हैंड, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पर जो है किसी काम की कुशलतापूर्वक जो है भरोसा किया जा सकता है, उसको हम लोग कहते हैं सेफ पेयर ऑफ हैंड। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कोई व्यक्ति है उसका दोनों हाथ जो है सेफ है पूरा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोई भी काम उसी को सौंपेंगे कि हाँ ये काम तुम ही करो, तुम इस काम को जो है अच्छे से कर सकते हो, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशियंटली, तो इसको जो है हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन है सिर्फ पेयर ऑफ हैंड, तो पहला हमारा ऑप्शन है अ सीक्रेट आर हिडन एडवांटेज, तो ये हमारा जो है नहीं होगा,
और ऑप्शन बी क्या है हमारा, अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग इफिशियंटली, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइडियम है डंकीज ईयर। डंकीज ईयर का मतलब होता है अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ही लंबा समय। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे जो लोग गधे होते हैं वो लोग किसी भी काम को करने के लिए जो है बहुत टाइम लगाते हैं, कोई भी उनको आप लोग काम बोलेंगे तो वह जो बहुत टाइम लगाएंगे, तो उसको हम लोग इसको ऐसे याद कर लेंगे डंकीज ईयर से याद कर लेंगे कि गधे लोग जो है काम करने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो इसीलिए उसको कहा जाता है बहुत लंबा समय। क्वेश्चन देखते हैं डंकीज ईयर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है लॉन्ग टाइम, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गो टू द वॉल। गो टू द वॉल मतलब होता है टू फेल, असफल हो जाना। जैसे कि कोई भी इंसान जो है जैसे फेल हो जाता है तो वह दीवालों की तरफ देखने लगता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि गो टू द वॉल यानी टू फेल, असफल हो जाना, इसका जो हो जाएगा। लेते हैं हम लोग गो टू द वॉल, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है टू फेल, तो ऑप्शन नंबर ए ही जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडीएम हमारा है नॉक डाउन, यानी किसी चीज़ को जो है नीचे कर देना, यानी डिमोलिश कर देना या जो है ध्वस्त कर देना, तो इसको हम लोग डाउन से याद करेंगे। जैसे डाउन इसमें लगा है, डाउन मतलब होता है नीचे कर देना, और कोई भी चीज़ जब डिमोलिश होती है तो वह ध्वस्त होती है, तो वह जो है नीचे हो जाती है, गिर जाती है, यानी बेकार हो जाती है। हम लोग देख लेते हैं नॉक डाउन, ऑप्शन नंबर ए में क्या है टू सक्सीड, तो ये होगा नहीं, टू एक्सेप्ट भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है हो जाएगा टू डिमोलिश हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खाना खाना। इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे जैसे कि हॉर्स तो एक जानवर होता है, जो कि जानवर लोग जो है बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, तो जानवरों की तरह जो है खाना खाना, ईट लॉट्स ऑफ फूड, जैसे ये लड़की है बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे ईट लाइक अ हॉर्स, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है ईट लाइक अ हॉर्स, तो क्या हो जाएगा ईट लॉट्स ऑफ फूड, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण या मुख्य मुद्दे पर बात न करके इधर उधर की बातें करना। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इधर उधर की जो है बातें करना। देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन हमारा है बीट अराउंड द बुश, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा है टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है रेड लेटर डे, रेड लेटर डे का मतलब होता है मेमोरेबल डे या जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन या जो है यादगार दिन, इसको हम लोग कहते हैं। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, जैसे रेड लेटर डे जो रेड कलर से जो है जो रेड कलर से लिखा जाएगा वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेते हैं, तो जो है मेमोरेबल डे और या तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, ऐसे हम लोग याद कर लेंगे। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग रेड लेटर डे, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है मेमोरेबल डे, ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है रीड बिटवीन द लाइन, इसका मतलब होता है छिपा अर्थ निकालना, जो कि जो है जैसे कुछ ऐसा समझे जो एक मुक्त न कहा जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि छिपा अर्थ निकालना, अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट शेड आउट राइट, तो ये हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको कैसे याद करेंगे, रीड बिटवीन द लाइन यानी कि लाइनों के बीचों में पढ़ना, लाइनों के बीचों बीच से पढ़ना, यानी छिपे अर्थ को जो है ढूंढना, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है रीड बिटवीन द लाइन्स, तो क्या हो जाएगा अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज नॉट शेड आउट राइट, ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा है अ किक इन द टीथ, यानी इसका मतलब होता है ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट यानी बहुत बड़ी निराशा हासिल करना। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, अ किक इन द टीथ, किक मतलब होता है लात मारना, टीथ मतलब होता है दांतों पे, यानी दांतों पे लात मारा गया, यानी कि बहुत ही बड़ी इसको जो है निराशा हासिल हुई। जैसे ये आदमी जो है देखिए बहुत निराश होकर बैठा हुआ है, यानी इसको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली है। लेते हम लोग अ किक इन द टीथ, तो पहला ऑप्शन हमारा है गेट डिसअपॉइंटमेंट, ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट ईडियम हमारा है लायन शेयर, लायन शेयर का मतलब होता है लार्जेस्ट शेयर होता है, इसका मतलब यानी बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, लायन शेयर जैसे लायन जब भी जंगलों में ढेर सारे जानवर होते हैं लेकिन लायन जो होता है सबसे ज़्यादा खाता है, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि सबसे बड़ा हिस्सा जो है लायन को ही मिलेगा, तो ये इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लायन शेयर, पहला ऑप्शन हमारा है एनिमल शेयर, ये तो हमारा होगा नहीं, इसकी कोई बात नहीं है। दूसरा हमारा है लार्जेस्ट शेयर, तो ऑप्शन बी हमारा जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट ईडियम हमारा है गेट द एक्स, इसका मतलब होता है लूज द जॉब यानी नौकरी खो देना, इसका मतलब होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, गेट द एक्स, ऑप्शन ए है बर्डेंड जॉब, ये तो हो नहीं सकता, और दूसरा हमारा है गेट द जॉब, ये भी नहीं होगा, लूज द जॉब ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लूज द जॉब। नेक्स्ट ईडियम हमारा है वाइप द फ्लोर विद समवन, यानी वाइप मतलब होता है पोछा लगाना, फ्लोर को जो है किसी को पकड़ के जो है फ्लोर पे पोछा लगा देना, यानी किसी को जो है हरा देना, टू डिफीट समवन, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, जैसे देखिए ये जो है ये एक दूसरे को जो है अगर हरा देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको जो है पोछा लगा दिए उसका, यानी कि हरा दिए, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वाइप द फ्लोर विद समवन, तो ऑप्शन हमारे ए के है टू डिफीट समवन, ऑप्शन ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईडीएम हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, यानी इसका मतलब होता है टू लाइक समवन अलॉट, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करना, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, सॉफ्ट स्पॉट यानी कि हम किसी के सामने तभी सॉफ्ट होते हैं जब हम उसको जो है लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है टू आर्ग्यू समथिंग विद नो इफेक्ट, ये हमारा होगा नहीं, ऑप्शन बी हमारा है टू शो द ट्रू नेचर फॉर समवन, तो ये भी हमारा नहीं होगा, और सी ऑप्शन है टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम सक्सेसफुली, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा टू लाइक समवन अ लॉट। नेक्स्ट हमारा क्या है पुल द प्लग, यानी किसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना, एंड समथिंग यानी ख़त्म कर देना, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, पुल द प्लग यानी प्लग को जो है खींच लेना, यानी किसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, ये तो बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं पुल द प्लग, तो पहला हमारा क्या है डिस्ट्रैक्ट समवन, ये नहीं होगा, ऑप्शन बी क्या है एनॉय समवन, ये भी नहीं होगा, एंड समथिंग ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, एंड समथिंग यानी किसी चीज़ को जो है ख़त्म कर देना। नेक्स्ट ईडीएम हमारा है एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है डिसएग्रीइंग विथ यानी असहमत होना, किसी चीज़ से जो है असहमत होना, हम लोग देख लेते हैं अ लॉगर हेड्स, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा, डिसएग्रीइंग विथ हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है डेविल्स एडवोकेट, इसका मतलब होता है वन हु आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर सेक, यानी कि इसका हिंदी मतलब होता है जो सिर्फ बहस करने के लिए जो है किसी बात का विरोध करता है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, डेविल्स एडवोकेट यानी कि जो राक्षसों का एडवोकेट होता है वह जो है बस किसी भी चीज पे जो है बहस करने के लिए तैयार होता है। हम लोग देख लेते हैं क्या है डेविल्स एडवोकेट, तो क्या ऑप्शन नंबर ए है वन यू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर द सेक, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या है बैक आउट टू विड्रॉल फॉर्म, कहीं से कुछ चीज को जो है वापस लेना, इसी को कहते हैं बैक आउट, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बैक मतलब होता है पीछे, आउट मतलब होता है बाहर, किसी भी चीज को जो है बाहर ले लेना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टू विड्रॉल फॉर्म बैक आउट, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा टू विड्रॉल फ्रॉम। हमारा है कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंज, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है असमान तुलना, अनइक्वल कंपैरिजन हो जाता है, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे हम लोग एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन करें तो दोनों जो है अलग अलग चीज़ें हैं, तो यानी अलग अलग चीज़ें इसका मतलब हो जाएगा, यानी असमान तुलना। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है कंपेयरिंग एप्पल विथ ऑरेंजेस, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा राइट, अनइक्वल कंपेरिजन जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ईडीएम है सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है सारांश, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का जो है सम होता है जो वही जो हमारा हो जाता है सारांश हो जाता है, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे या समरी इसको कहते हैं। हम लोग देख लेते हैं सम एंड सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट हमारा ईडियम है एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी आंखों का जो है सेव होना, यानी इसका मतलब क्या होता है वेरी डियर, बहुत ही प्रिय होना, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे एप्पल ऑफ वंस आइज, किसी भी आंखों का जो है सेव होना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रिय होना, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एप्पल ऑफ वंस आइज वेरी यूजफुल नहीं होगा, वेरी फॉर नहीं होगा, वेरी डियर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ईडियम हमारा है टू पे लिप सर्विस, यानी इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा चापलूसी करना,
यानी कि इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, टू पे लिप सर्विस, यानी कि जैसे कि कोई बोल रहा है उस पे जो है तुरंत तुरंत उसकी बातों पे बढ़ा बढ़ा के बोलना, यानी उसकी जो है चापलूसी करना, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं, टू पे लिप सर्विस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू एक्सप्रेस लॉयल्टी रिस्पेक्ट आर सपोर्ट, यही हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, एवरी डॉग हैज हिज लाइफ, यानी सभी कुत्तों का जो है अपना दिन होता है, यानी हर किसी को एक समय में जो है सौभाग्य सफलता मिलती है, सबका जो है अपना अपना दिन आता है, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, सभी लोगों का जो है अपना अपना दिन आता है, यानी एवरी डॉग, यानी डॉग को हम लोग सोच लेंगे मनुष्य, सभी मनुष्यों का जो है एक न एक दिन जरूर आता है, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा एवरी वन हैज गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एवरी डॉग हैज हिज लाइफ हिज डे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, एवरी वन हैज गुड लक और सक्सेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट इडियम हमारा है ब्रेक अ लेग, यानी किसी को जो है शुभकामनाएं देना, विश समवन गुड लक, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, जैसे किसी का पैर टूट जाता है तो हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए, उसको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रेक अ लेग, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, विश समवन गुड लक, ये हमारा जो है राइट हो जाएगा, यानी शुभकामनाएं देना। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, मिस द बोट, यानी मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर को जो है खो देना, इसका मतलब होता है, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, अपनी बोट को यानी अपनी नाव को जो है मिस कर देना, जैसे किसी को इस देश से उस देश जाना है तो वह जो अपनी नाव को खो दिया, यानी वह जो अपना अवसर जो है खो दिया जाने का, अब वह जो है बहुत टाइम बाद जा सकता है या फिर नहीं भी जा सकता है, तो अवसर से चूकना यानी अवसर या खो देना। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मिस द बोट, ऑप्शन नंबर ए हमारा है मिस द जर्नी, ये तो नहीं होगा, मिस द पर्सन ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, मिस एन अपॉर्चुनिटी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा इडियम है ऑन क्लाउड 9, यानी नवे आसमान पर होना, यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, जैसे हम लोग कहते हैं ना सातवें आसमान पर हैं वो, यानी बहुत ही खुश है, तो यानी ये है यहाँ पे बोला गया है ऑन क्लाउड 9, यानी नवे आसमान पर होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, देखिए लड़की कितनी खुश है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा है वन ऑन क्लाउड 9 हैवी रेन, ये हमारा तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी क्या है एक्सट्रीमली हैप्पी, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट हमारा इडियम है पुल अ लॉन्ग फेस, यानी बहुत ही ज़्यादा दुखी दिखना, लुक वेरी सैड, इसका हो जाएगा, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, पुल अ लॉन्ग फेस, यानी अपने फेस को जो है लंबा मतलब दुखी जैसा रखना, यानी कि लंबा खींचना, यानी कि दुख दिखाना, दुखी रहना, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे, देखिए लड़की कितनी दुखी दिख रही है। हम लोग देख लेते हैं पुल अ लॉन्ग फेस, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू लुक सैड। नेक्स्ट इडियम हमारा है बेड ऑफ रोजेज, बेड ऑफ रोजेज का मतलब हो जाएगा प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की सुखद स्थिति में जो है होना, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, मतलब कि गुलाबों से भरा हुआ बेड, यानी कि जीवन का बहुत ही जो है सुखद स्थिति हो में जो है ये मिलेगा हम लोग को, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बेड ऑफ रोजेज, तो क्या है ऑप्शन, लेथार्जिक कंडीशन ऑफ लाइफ, यानी सुस्त में होना, ये तो होगा नहीं, दूसरा हमारा है प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट द बुक्स, यानी कि इस बहुत ही हार्ड वर्क करना, बहुत ही मेहनत करना, टू स्टडी वेरी हार्ड, इसको हम लोग कैसे करेंगे याद, हिट द बुक, यानी बुक को जो है हिट कर देना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा इडियम है हिट द बुक, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत से पढ़ाई करना, टू स्टडी वेरी हार्ड, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, बुक्स इसमें दिया है तो हिट बुक को जो है हिट कर देना, यानी बहुत कड़ी मेहनत करना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं हिट द बुक्स, तो हमारा ऑप्शन ए क्या है टू हैव अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है बिकम वेरी कन्फ्यूज्ड, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा टू स्टडी वेरी हार्ड। हमारा इडियम है अ पीस ऑफ केक, यानी एन ईजी टास्क, बहुत ही आसान कार्य, जैसे यहाँ पे लिखा है 1+1, ये बताना बहुत ही ईजी है, तो हम लोग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अ पीस ऑफ केक, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा एन ईजी टास्क। टू होल्ड गुड, इसका मतलब होता है टू रिमेन वैलिड, वैध रहने के लिए, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे टू होल्ड गुड, यानी किसी चीज़ को जो है अच्छा रहने के लिए क्या करना, पकड़े रहना, यानी वैध रहने के लिए।
क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या है टू होल्ड गुड, ऑप्शन नंबर ए क्या है टू रिमेन वैलिड, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इडियम हमारा है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, इसका मतलब होता है आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग, कुछ समझ नहीं सकता। कैसे इसको हम लोग याद करेंगे, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, यानी ग्रीक जो होता है भाषा वो समझना बहुत ही मुश्किल होता है, जो कि जो है समझ नहीं आती है, तो ये इसको हम लोग जो है ऐसे याद करेंगे कुछ नहीं समझ पा रहा या कुछ नहीं समझ सकता। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, क्वेश्चन हमारा है इट्स ऑल ग्रीक टू मी, तो पहला हमारा दिया है आई एम अवेयर ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्ट, ये हमारा तो होगा नहीं। दूसरा हमारा है आई नो दिस सब्जेक्ट वेल, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, आई कांट अंडरस्टैंड एनी थिंग। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है वाइट एलिफेंट, इसका मतलब है बहुत कीमती वस्तु लेकिन जो है किसी काम की ना हो, कॉस्टली बट यूजलेस, कॉस्टली तो हो लेकिन जो है यूजलेस ना हो, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। जैसे कि व्हाइट एलिफेंट होती है वो कैसी होती है, बहुत ही महंगी होती है लेकिन उसको कोई ख़रीदता नहीं, लेकिन हम लोग कभी भी उसको देखते नहीं, कि कभी हम लोग मार्केट में जल्दी देखते नहीं व्हाइट एलिफेंट को, तो क्या होती है वो यूजलेस होती है, किसी भी उपयोग की नहीं होती, उसको हम लोग क्या करते बस बचा के रखते हैं, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं व्हाइट एलिफेंट, ऑप्शन नंबर ये क्या है यूजलेस एंड एक्सपेंसिव पोजेशन, तो हमारा ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है टू पुट समवन्स बैकअप, यानी किसी को क्या करना इरिटेट करना, परेशान करना, किसी को जो है परेशान करना, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे टू पुट समवन बैकअप, यानी किसी को बार बार क्या करना पीछे कर देना, बार बार पीछे कर देना, उससे क्या हो जाएगा वो परेशान हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या है टू पुट समवन बैकअप, तो पहला ऑप्शन है टू हेल्प समवन, ये तो हमारा होगा नहीं, टू फ्लैटर समवन ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा टू इरिटेट समवन। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉग, इसका मतलब होता है व्यवहार में माता पिता के जो है समान होना, सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे ओल्ड है, ओल्ड पहले के लोग कैसे होते थे व्यवहार में जो है बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत ही साधारण होते थे, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स मतलब होता है एक अप्रत्याशित विजेता एंड अनएक्सपेक्टेड जो है विनर होता है, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे जो काला घोड़ा होता है उसको जो है कोई पीछे नहीं कर सकता, अक्सर देखते होंगे आप लोग कि रेस में जो है काले घोड़े का यूज़ किया जाता है क्योंकि उसको जो है कोई पीछे नहीं कर सकता, वही सबसे जो है आगे रहता है, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं डार्क हॉर्स, पहला हमारा है अ चैंपियन, चैंपियन से कोई मतलब नहीं है, दूसरा हमारा है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है बी लाइक चाक एंड चीज, इसका मतलब होता है बिल्कुल अलग, बी एब्सोल्युटली डिफरेंट, एकदम जो है अलग होना, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे चाक से हम लोग सोच लेंगे चार्ली और चीज, मतलब कि चीज की तरह होना, चार्ली जो कैसे था सबसे अलग थे, तो हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं बी लाइक चाक एंड चीज, तो पहला हमारा क्या है टू बी एब्सोल्युटली लोनली, लोनली से कोई मतलब नहीं है, बी हमारा है एब्सोल्युटली डिसेप्टिव, ये भी हमारा इससे भी कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है ग्रीन आइड, ग्रीन आइड मतलब होता है ज्वेलस यानी ईर्ष्यालु, किसी से जो है ज्वेलस करना, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे ग्रीन आइड, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं इनकी आंखें जो है लाल पीली हरी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्यालु टाइप के लोग हैं, तो इसको लोग हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे ग्रीन आइड को। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग ग्रीन आइड, ग्रीन आइड का वरिड हो जाएगा नहीं, वैरिड तो होगा नहीं, बी है ज्वेलस, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा ज्वेलस यानी ईर्ष्यालु हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है चार्ली हॉर्स, इसका मतलब होता है क्रैम्प एरन एडन या जो है मरोड़ की क्या होना पीड़ा होना, इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे जैसे कोई चार्ली नाम का व्यक्ति है उसका जो घोड़ा क्या है बहुत ही जोखिम है चोटिल है, तो उसको क्या है एडन या मरोड़ की जो है क्या है पीड़ा है, तो हम लोग इसको जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग चार्ली हॉर्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा क्रैम्प यानी एडन और मरोड़ की क्या होना पीड़ा होना।
नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, कैरीड द डे, इसका मतलब होता है विनिंग, जीत हासिल करना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, किसी भी दिन को क्या करना, पकड़ लेना, यानी कि उसको अपने हाथों में कर लेना, यानी कि जीत हासिल कर लेना, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कैरीड द डे, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, विनिंग। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, गेट अवे, गेट अवे का मतलब होता है टू लीव, चले जाना। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, जैसे गेट अवे, गेट से मतलब बाहर चले जाओ, तो इसको क्या करेंगे, मतलब चले जाओ, यानी टू लीव। इसको ये बस जो है याद कराने के पर्पज से बोला जा रहा है, इसका जो है इसका से कोई मतलब भी नहीं है। क्वेश्चन हमारा क्या है, गेट अवे, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू लीव यानी चले जाओ। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, बी एट अ लूज एंड, इसका मतलब करने के लिए कुछ नहीं होना, टू हैव नथिंग टू डू। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, सब कुछ क्या करना, लूज कर देना, खत्म कर देना, इसको जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे, अब करने के लिए जो है कुछ न बचना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बी एट अ लूज एंड, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू हैव नथिंग टू डू, यानी करने के लिए जो है कुछ न बचना। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग इल, यानी बीमार होना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यानी बादलों के बीच में अगर कोई रहेगा तो कैसा रहेगा, बीमार हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन उसको जो है कम मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अंडर द वेदर, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, फीलिंग इल। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, बाई लिप एंड बाउंस, इसका मतलब होता है वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बाई लिप एंड बाउंड, लिप मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करना, बोलना, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी काम करना, यानी बहुत जल्दी से, वेरी क्विकली। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बाई लिप एंड बाउंस, पहला हमारा क्या है, वेरी स्लोली, स्लोली तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सुपर कैच इन अ क्रिकेट मैच, ये भी हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, वेरी क्विकली, यानी बहुत ही जल्दी। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, हैव अ लॉन्ग फेस, लुक अनहैप्पी आर डिसअपॉइंटमेंट, दुखी यार जो है निराश दिखना। इसको हम लोग कैसे याद करें, हैव अ लॉन्ग फेस यानी लंबा फेस खींचना, लंबा फेस खींचना मतलब बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हैव अ लॉन्ग फेस, पहला हमारा क्या है, लुक एक्सट्रीमली हैप्पी, बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, लुक अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेडमेंट, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, लुक अनहैप्पी या डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, इसका मतलब होता है एक समय में दो अलग अलग चीजों का जो है लाभ पाना, यानी दोहरा लाभ होना, एन एडवांटेज सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, द क्या है, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि जिसके पास दो अच्छे अच्छे संसार होंगे उसका क्या होगा, उसको जो है क्या होगा, दोहरा लाभ होगा। इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, एन एडवांटेज सिचुएशन फ्रॉम टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, यानी कि दोहरा लाभ पाना। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब होता है शुरुआत से जो है शुरू करना, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगेनिंग। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, इस वर्ड के आगे ही जो क्या लगा है, स्टार्ट लगा है, यानी कि शुरुआत से जो क्या करना, शुरू करना। हम लोग देख लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द गिवेन लाइन, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्टार्ट इंटायरली फ्रॉम द बिगेनिंग। नेक्स्ट इडियम हमारा क्या है, मेक माई फ्लेस क्राउल, इसका मतलब क्या होगा, भयभीत कर देना, टू मेक समवन फील अफ्रेड, यानी डरा देना, किसी को भयभीत कर देना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मेक माई फ्लेस क्राउल, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वरिड मी, यानी डरा देना, भयभीत कर देना। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, अप इन आर्म्स, इसका मतलब है विद्रोह में जो क्या होना, होना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि जो आर्म के जो क्या होगा, ऊपर होगा, वो कैसा होगा, हमारे विद्रोह में खड़ा होगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अप इन आर्म, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इन रिबेलियन। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, मेक वंस ब्लड बाउल, इसका मतलब क्या करना, किसी की ब्लड को क्या करना, बॉयल कर देना, यानी कि किसी के खून की क्या कर देना, खौला देना, क्या हो जाएगा, द एटीट्यूड ऑफ द कल्प्रीत मेड द जज, यानी किसी के खून को क्या करना, खौला देना, किसी को क्या करना, क्रोधित कर देना, बॉयल कर देना किसी के ब्लड को। नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या है, कट स्ट्रेट टू द
किस, तो इसका मतलब क्या होता है, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन, अनावश्यक परिचय से क्या करना, बचना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कट स्ट्रेट टू द चेस, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अवॉइड अननेसेसरी इंट्रोडक्शन। हमारा ईडियम क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी क्या होना, आंशिक रूप से बधिर, यानी कि आंशिक रूप से क्या करना, न सुन पाना। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, हार्ड ऑफ हियरिंग, जिसको सुनने में क्या हो, प्रॉब्लम हो, वो क्या होगा, बहरा होगा, होगा पार्शियली डीफ होगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग, ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा, पार्शियली डीफ, यानी कि क्या होना, आंशिक रूप से बधिर होना। नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या है, एल्बो ग्रीस, इसका मतलब होता है कठिन शारीरिक प्रयास, यानी हार्ड फिजिकली इफेक्ट, बहुत ही ज्यादा क्या करना, मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एल्बोज ग्रीस, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट हो जाएगा, हार्ड फिजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, डंकीज ईयर, अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा समय होना। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जो गधों का समय होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो किसी भी काम को करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा समय लेना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डंकीज ईयर, ऑप्शन नंबर ए क्या है, फुटाइल इफेक्ट्स, ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अ वर्थलेस पर्सन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, अ पर्सन, अ वेरी लॉन्ग टाइम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बहुत लंबा समय। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, अ ड्रॉ अ ब्लैंक, इसका मतलब होता है प्रतिक्रिया प्राप्त करने में जो है असफल होना, टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अ ड्रॉ अ ब्लैंक, किसी जो है क्या करना, ब्लैंक पेज पे क्या करना, ड्रॉ करना, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिक्रिया प्राप्त करने में क्या होना, असफल होना, मतलब सोच में पड़ जाना, अरे मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, इसीलिए जो है अपने आप में क्या करना, ड्रॉ करना है किसी ब्लैंक पेज पे। हमारा क्या है, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, मैन ऑफ लेटर्स, इसका मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जो है ज्ञानी व्यक्ति, यानी स्कॉलर पर्सन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अ मैन ऑफ लेटर्स, जो आदमी जो लेटर्स से बना है बस, यानी कि वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, उसने जो है बहुत कड़ी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा जो है पढ़ाई की है, इसीलिए उसको कहा जाता है अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी कि बहुत विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स, ऑप्शन नंबर ए क्या है, डांसर नहीं होगा, सिंगर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कॉलर या एक जो है ज्ञानी व्यक्ति। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, जब दगन, यानी जल्दी से कुछ क्या करना, शुरुआत करना है, जल्दबाजी में काम करना, स्टार्ट समथिंग टू सून आर एक्ट, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जंप द गन, यानी किसी गन को क्या करना, जंप करके क्या करना, पकड़ लेना, यानी जल्दबाजी में जो है शुरुआत करना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जंप द गन, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, स्टार्ट समथिंग टू सून। नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या है, बाइट द बुलेट, इसका मतलब क्या होता है, अपने आप को कुछ अप्रिय करने के लिए क्या करना, मजबूर करना, फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, बाइट द बुलेट, यानी बुलेट को क्या करना, बाइट यानी काटना, अपने खुद से क्या करना, काटना, यानी खुद को क्या करना, परेशान करना, खुद को ही जो है दुख देना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बाइट द बुलेट, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, फोर्स वन सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट, यानी खुद को क्या करना, खुशी न देना। नेक्स्ट ईडियम हमारा क्या है, कोट्स एंड आर्म एंड अ लेग, यानी बहुत महंगा, द न्यू म्यूजिक सिस्टम इज टू एक्सपेंसिव फॉर अस टू बे। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, कोट्स एंड आर्म एंड लेग, यानी कि इसको ऐसे याद हम लोग करेंगे कि कोट जो होता है वो अपने हाथों, मतलब कि वो आर्म में भी पहना है और क्या किया है, लेग में भी जो है पहना है, यानी क्या है, बहुत ही महंगा है। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, कॉल स्प्रेड स्प्रेड, नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, कॉल स्प्रेड स्प्रेड फ्रैंकली, इसका मतलब होता है फ्रैंकली होके क्या करना, बात करना, यानी बिना घुमाए फिराए जो है बात करना। ही इज नो फॉर टॉकिंग टू, यानी कि वह किसी भी बात को जो है घुमा फिरा के बात नहीं करता, यानी कि बातों को क्या करना है, लाइन टू लाइन बोलना, यानी कि उसको घुमाना फिराना नहीं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अपसेट द एप्पल कार्ट,
यानी किसी योजना को क्या करना, बिगाड़ देना, खेल को जो है बिगाड़ देना, स्पॉइल केयरफुल प्लान्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, याद, एप्पल कार्ट यानी अपसेट द एप्पल कार्ट, एप्पल कार्ट लगा हुआ है लाइन से, उसको क्या करना मतलब अपसेट कर देना, इधर से उधर कर देना, यानी क्या करना योजना को क्या करना बिगाड़ देना। क्या हमारा अपसेट द एप्पल कार्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, स्पॉइल यूजफुल प्लान्स। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी बिना विरोध के क्या करना, अपमान सहना, टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, पॉकेट एंड इंसल्ट, यानी उसके पॉकेट में क्या करना, इंसल्ट को अपने अपने जेब को जो है अपने जेब में जो है इंसल्ट को भरे रहना, यानी बिना विरोध के जो है अपमान को सहते रहना। हम लोग देख लेते हैं पॉकेट एंड इंसल्ट, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, यानी बिना अवरोध के जो है अपमान को सहते रहना। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, इन योर बर्थडे शूट, इसका मतलब होता है बिना वस्त्रों के होना, नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, कुछ लोग जैसे बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, वो लोग क्या करते हैं बर्थडे पे जो है कोई भी शूट वूट नहीं पहनते, यानी वो लोग कैसे होते हैं, नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स, इसको जो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इन योर बर्थडे शूट, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नॉट वेयरिंग एनी क्लॉथ्स। नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है, ट्विट्स द प्लेयर्स आर्म्स, इसका मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए क्या करना, मजबूर करना, टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, आर्म जैसे प्लेयर्स के आर्म को क्या करना, मोड़ देना, यानी कि क्या करना, उनको ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने के लिए जो है मजबूर करना, फोर्स करना। हम लोग देख लेते हैं, ट्विट्स द प्लेयर्स आर्म्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, यानी किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, फोर्स करना किसी को। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, कॉस्ट असाइड टू रिजेक्ट, इसका मतलब होता है अस्वीकार करना। इसको हम लोग कैसे याद कर लेंगे, कॉस्ट असाइड यानी हम लोग अक्सर कहीं जाते हैं, अगर जो चीज़ें महंगी होती है उसको हम लोग जो है साइड में जाके देख लेते हैं कि अरे ये तो बहुत महंगी है, और इसको क्या कर देते हैं हम लोग, स्वीकार कर देते हैं कि अब हम लोग नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देते हैं कि हम लोग नहीं लेंगे। अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कॉस्ट असाइड, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू रिजेक्ट, यानी किसी चीज़ को क्या करना, अस्वीकार कर देना। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, टिक ऑल द बॉक्सेस, अनावश्यक मापदंडों को क्या करना, पूरा करना, टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। इसका मतलब क्या होता है कि आवश्यक मापदंडों को जो है क्या करना, पूरा करना, टिक ऑल द बॉक्सेस, कि सभी बॉक्सेस को क्या करना, टिक करना, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट काम करना, किसी आवश्यक जो है मापदंडों को पूरा करना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, टिक द ऑल बॉक्सेस, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू फुलफिल द रिक्वायर्ड नॉर्म्स। हमारा क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभी होने वाली घटनाएं। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, ब्लू मून अगर कभी दिखता है तो ये कैसा है, बहुत ही रेयर घटना है, यानी ब्लू मून जो है हमेशा नहीं दिखता, कभी कभी जो है दिखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, वंस इन अ ब्लू मून, तो पहला हमारा है एट वंस टाइम इन स्पेस, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, वेरी रेयरली यानी कभी कभी दिखने वाली घटनाएं। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, चाइल्ड्स प्ले, इसका मतलब होता है एन इजी टास्क, एक आसान काम। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, चाइल्ड्स प्ले यानी जो बच्चे चीज़ें करते हैं वो कैसी चीज़ें होती हैं, बहुत ही आसान चीज़ें होती हैं, यानी कि एन इजी टास्क होता है या पीस ऑफ केक होता है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, चाइल्ड्स प्ले, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एन इजी टास्क। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, स्नेक इन द ग्रास, यानी एक विश्वासघाती व्यक्ति, एक डिसीव पर्सन यानी धोखेबाज व्यक्ति, ट्रीचरस जो है पर्सन। तो हम लोग कैसे याद कर लेंगे, स्नेक इन द ग्रास यानी कि घासों में क्या छुपा हुआ है, सांप, यानी घासों में छुपा हुआ सांप कैसा होगा, एक विश्वासघाती जो है व्यक्ति होगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्नेक इन द ग्रास, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इन पर्सन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, गेट वंस टेंडर अप, इसका मतलब होता है आग बबूला हो जाना या लूज वंस टेम्पर, यानी अपना आपा जो है क्या करना, खो देना, बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गेट्स वंस टेंडर अप, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, लूज वंस टेम्पर यानी आपा खो देना। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी अंडर अ क्लाउड, यानी कि अविश्वसनीय होना यानी सस्पेंशन में होना, टू बी अनट्रथ ट्रूथवर्थी,
हम लोग कैसे याद कर लेंगे, बी अंडर अ क्लाउड यानी संदेह के क्या करना, घेरे में होना, मतलब कि बादलों के क्या करना, बीच में होना, यानी क्या होना, संदेह के जो है घेरे में होना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बी अंडर अ क्लाउड, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, टू बी अनट्रस्ट वर्थी, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, हिट द सेक, इसका मतलब होता है गो टू स्लीप यानी सो जाना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हिट द सेक, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, गो टू स्लीप। नेक्स्ट हमारा आइडियम क्या है, इन क्वीर स्ट्रीट, इसका मतलब होता है इन डेप्थ, कर्ज में होना। जो लोग स्ट्रीट पे जो है अलग तरीके से क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, कर्ज में होते हैं, टेंशन में, तनाव में होते हैं। हम लोग देख लेते हैं, इन क्वीर स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, इन डेप्थ यानी क्या होना, कर्ज में डूबा होना। स्नैल पेस, इसका मतलब होता है बहुत ही धीमी गति से, वेरी स्लो। तो हम लोग जो है इससे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो क्या हमारा है, स्नैल पेस, इसका मतलब क्या होता है, वेरी स्लो, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा। वेरी फास्ट तो होगा नहीं, वेरी स्लो भी नहीं होगा, वेरी एक्टिव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, वेरी स्लो। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की सच्चाई या मूल्य पर जो है संदेह करना, यानी डाउट द ट्रूथ आर वैल्यू ऑफ समथिंग। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे कोई खाना बना रहा है उसमें थोड़ा सा उससे ज़्यादा नमक हो जाता है तो लोग जो है उसके कामों पर शक करने लगते हैं कि इसको कुछ भी नहीं आता, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के साथ। तो हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, इडियम हमारा क्या है, स्ट्रेन वेरी नर्व, इसका मतलब होता है हर संभव प्रयास करना, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग, यानी नर्वस के साथ क्या है, नर्वस न होना, नर्व यहाँ पे लिखा है, तो यानी नर्वस न होना और जो है हर संभव प्रयास करना। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, टू स्ट्रेन वेरी हार्ड, तो ऑप्शन नंबर ए ये जो हमारा हो जाएगा राइट हो जाएगा, टू हार्ड एक्सट्रीम, टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। ऑप्शन नंबर बी तो हमारा होगा नहीं, टू हैव इल हेल्थ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा, टू फील फिजिकली पेन ये भी नहीं होगा, और सी हमारा डी हमारा है टू फाइट विथ फ्रेंड्स, ये भी हमारा नहीं होगा। हमारा ईडीएम है रीड बिटवीन द लाइंस, इसका मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ निकालना, अंडरस्टूड द डीप, यानी इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, रीड बिटवीन द लाइंस मतलब लाइनों के बीच में जो है रीड करना, यानी ध्यान से जो है रीड करना, यानी छिपा हुआ जो है अर्थ निकालना, इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। हमारा ईडीएम क्या है, जंप द गन, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी कुछ करना, इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, यानी टू डू समथिंग टू सून। इसको याद करने का तरीका है जैसे कि कोई बंदूक जो है चलाने वाला है और उसको हम लोग जो है जल्दी से पकड़ लेंगे, यानी कि जल्दीबाजी में बहुत कुछ जो चीज़ जो है बहुत जल्दीबाजी में की जाए। हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, जंप द गन, ऑप्शन नंबर ए है टू डू समथिंग स्टूपिडली नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी है टू वेस्ट योर मनी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू डू समथिंग टू सून। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ द वाटर, इसका मतलब होता है असहज और बेचैन महसूस करना, बींग अनकम्फर्टेबल एंड रेस्टलेस। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कोई भी जो है मछली पानी के बाहर हो जाती है तो वो अपने आप को कैसा महसूस करती है, वो अपने आप को जो है अलग महसूस करती है और जो है वह चटपटाने लगती है, तो वैसे ही हम लोग याद कर लेंगे कि आई वॉज लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि मैं इस दूसरी दुनिया से बाहर चला गया, यानी मुझे बहुत ही असहज और बेचैन रहना, तो इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा इडियम क्या है, हबसन्स चॉइस, इसका मतलब होता है किसी पर जबरन थोपा गया चुनाव, अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, हस्बैंड्स चॉइस, इसको हम लोग याद करेंगे हस्बैंड की चॉइस, यानी कि किसी के ऊपर जो है जबरन थोपा गया चुनाव, यानी कि उसने पसंद कर लिया तो जो है वही होगा। हम लोग देख लेते हैं, हब्सन्स चॉइस, ऑप्शन नंबर ए क्या है, अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा जो है राइट हो जाएगा, यानी किसी के ऊपर जबरन जो है थोपा गया। नेक्स्ट हमारा ईडियम क्या है, फेस अपॉन टू, इसका मतलब है कठिन परिस्थिति को जो है स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, फेस अपॉन टू यानी फेस करना, किसी भी चीज को जो है फेस करना, यानी कठिन परिस्थिति को जो है स्वीकार करना, इसको हम लोग जो है ऐसे याद कर लेंगे। हम लोग देख लेते हैं, फिश अपॉन टू,
ऑप्शन नंबर ए क्या है, लुक इनटू फेस, ये नहीं हो सकता पर्सनली, ये भी नहीं होगा हमारा। और हमारा नेक्स्ट क्या है, अल्टर द फेस ऑफ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन। नेक्स्ट हमारा एडियम क्या है, रनिंग अराउंड इन सर्कल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करने के बाद भी जो है इच्छा अनुसार परिणाम न मिलना, टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, रनिंग अराउंड इन सर्कल, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगा, टू बी वेरी एक्टिव बट विद फ्यू रिजल्ट्स। हेलो फ्रेंड्स, हमने CHSL 2022 का जो है 110 ईडियम्स जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये सीरीज जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।